और मैं अगर इधर देखूं, अब भैया किस्सा ये है कि जब आप अपनी से कम उम्र किसी को देखते हैं तो आप लामुहाला थोड़ी सी इज्जत में और एहतराम में कमी कर देते हैं, ये एक फितरी बात है। मगर अगर किसी शख्स की सिगर सनी को छोड़ के उसकी इल्मी काबिलियत की तरफ निगाह डालें तो मेरे ख्याल में एहतराम और इज्जत जितनी वाजिब है उतनी करनी चाहिए। मेरे बाएं जाने पहली कुर्सी पर तशरीफ रखते हैं जनाब अल्लामा हिशाम इलाही जहीर साहब। सर, कबूल इस्लाम के बाद जो वाकयात गुजरे, अगर उन पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबूल इस्लाम से पहले मैं कुछ ऐड ये करना चाहता हूँ कि हजरत उस्मान का जो पहला रिश्ता है वो ज़माने इस्लाम से कबल गया। सैयदा रुकैया के साथ जो शादी हुई है इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनकी कुर्बत पहले से मौजूद थी। और जो आपने इंट्रो में दो बातें की हैं ना, मैं उनके वाकयात का जरूर हवाला देना चाहता हूँ जो आपने ज़मीनी तौर पर बात की है कि हजरत उस्मान की हया कैसी थी। ये सही हदीस से वाकया साबित है कि सैयदा आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अबू बकर आए, मेरे वालिद आए, रसूलुल्लाह बैठे रहे, उमर आए, रसूलुल्लाह बैठे रहे, उस्मान आए तो रसूलुल्लाह ने जल्दी से कपड़ा अपनी टांगों के ऊपर सीधा किया और सीधा होके बैठ गए। कहा यह तरद्दुद अबू बकर और उमर की दफा नहीं था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आयशा जिससे फरिश्ते आसमान के हया करते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हया क्यों ना करूं। और दूसरी रवायत के अंदर अल्फाज ये है कि एक मरतबा फिर ऐसा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हुए तो हजरत आयशा ने पूछा आप अबू बकर उमर की दफा तो ऐसा नहीं करते। कहा उस्मान हयादार है, अगर मुझे इसी तरह पड़ा देख लेता तो शायद अपनी हाजत सही तरीके से बयान ना कर सकता। और जहां तक आपने सखावत का उनका तज़किरा किया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके के ऊपर ये कह दिया कि आज इस्लाम को पैसों की जरूरत है, कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में देगा। हजरत उस्मान ने कहा जन्नत की बिशारत मिलेगी, रसूलुल्लाह ने कहा मिलेगी। कहा 100 ऊंट देता हूं, नबी करीम ने कहा उस्मान तुझे जन्नत की बिशारत हो, बैठ जा। कौन 100 ऊंट देगा? उस्मान फिर खड़े हुए, एक मरतबा फिर मिलेगी आका आपकी जुबान से? जी मिलेगी, मैं 100 ऊंट देता हूं। 7 मरतबा नबी करीम ने ऐलान किया, 7 दफा उस्मान खड़े हुए। और फिर जब 1000 दिरहम रसूलुल्लाह को मजीद अता किया ना, सही हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह हाथों में टटोल रहे हैं, खुशी से चेहरा दमक रहा है और कह रहे हैं कत कत या उस्मान, ए उस्मान बस कर दे, बस कर दे। मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यूं, आज के बाद उस्मान अगर तू कोई अमल भी ना करे जन्नतुल फिरदौस तेरा हक है। क्या मैं बात कहूं कि जिस लुत्फ का जिक्र किया है कि वो दीनार जो सरकार के हाथों में पेश की है तो सरकार की खुशी का ये आलम है कि हाथों से उछालते हैं दीनारों को, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। एक खास फख्र और इंबसात है जो मेरे सरकार के चेहरे और बदन से आया है। उसके बाद सर जन्नतें जन्नतें कुर्बान हो जाएं उसके बाद। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अशराए मुबशरा के पहले 4 नाम देख लीजिए, उसमें दमकता हुआ एक नाम हजरत उस्मान बिन अफ़ान का मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि हजरत उस्मान को तो रसूलुल्लाह ने ये भी कह दिया था दो बेटियों की बात नहीं है उस्मान, अगर 40 बेटियां भी होती तुझे देता जाता। और ये जो आपने दमादी का जिक्र किया ना, ये भी एक बड़ा खूबसूरत वाकया है। हजरत उमर आए उस्मान के पास, कहा उस्मान बेटी हफ्सा से निकाह कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गया था, उस्मान ने ख्वाहिश जाहिर ना की और इनकार कर दिया। तो हजरत उमर को कहने लगे कि मैं तुझे तेरी बेटी के लिए बेहतर शोहर ना बताऊं, बेशक, और उस्मान के लिए बेहतर सुसर ना बताऊं, बेशक। तो उम्मे कुलसूम का निकाह उससे करता हूं, हफ्सा का निकाह तू मेरे से कर दे। मगर इस बात से पहले क्या उम्दा बात कही है, थोड़ा सा जिक्र कर लूं कि जो पहली बेटी अकद में आई है वो सरकार दो आलम की नंबर 2 पे जो शहजादी है हजरत जैनब के बाद हजरत रुकैया है। और हजरत रुकैया का जिक्र लोग बहुत कम करते हैं, बड़ी ज्यादती है कि हमारे सरकार ताजदार नबूवत की शहजादियों का जिक्र मुकम्मल ना किया जाए। अलामा मैं आपसे भी पूछूंगा हजरत रुकैया के बारे में, सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करूं आपको कि जब निकाह में आ गई हजरत उस्मान के तो ना सिर्फ निकाह में आ गई बल्कि हिजरत में भी शामिल थी, उसके दोनों दफा शामिल थी सर। और छोटी सी बात आपको एक बताऊं, आपको एक दफा जब हिजरत हबशा हुई है तो कई देर तक पता ना चला कि दोनों मियां बीवी कहां हैं। फिर एक औरत ने आके ये नवीज सुनाई सरकार को कि मैंने उन दोनों को सही हालत में देखा है, तो सरकार ने किस कदर खुशी का इजहार किया और कहा। मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपने जो वाकया बयान किया ना इससे भी एक बड़ी बात है, हजरत उस्मान गज़वाए बदर में क्या शामिल हुए हैं? बिल्कुल शामिल ही हुए। हाँ तो फिर इसका लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको माल में हिस्सा क्यों दिया, माले गनीमत माल में हिस्सा दिया और कहा तुम्हारा दर्जा मुजाहिद का है। हाँ, तुम्हारा इस वजह से वो सैयदा रुकैया की खिदमत में रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया कि बीमार है उनकी खिदमत करनी है। सर ऐन बदर के दिनों के अंदर जैसा अलामा फरमा रहे हैं शहजादी रुकैया
आपको एक खास किस्म की बीमारी हो गई जो मुझे डॉक्टर के हिसाब से, जो मेरी थोड़ी बहुत तहकीक है, गालिबन चेचक थी, क्योंकि दाने और आबले पूरे जिस्म पे निकल आए थे। सरकार ने कहा कि नहीं, तुम अपने हरम की तीमारदारी करो, इसका ख्याल करो, और खुद वो चले गए। ये वाहिद पहला गजबा जिसमें हजरत उस्मान शामिल नहीं थे। मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां, उनका तस्करा, आपने कहा सैयदा फातिमा का तस्करा सबसे ज्यादा होता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन बाकी शहजादियों का तस्करा कम होता है, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। सर मैं समझता हूँ कि ज्यादती हमसे कभी ना हो। सर सैयद, और एक बात अब मैं मजीद ऐड भी करना चाहता हूँ, ये खामखा हमारे मुआशरे में बनू उमैया बनू हाशिम की तकसीम की गई है। रसूलुल्लाह ने अपनी दो बेटियां तो उस्मान से ब्याही और एक बेटी अबुल आस से ब्याही, उस्मान भी बनू उमैया में से, अबुल आस भी बनू उमैया में से। ये बनू उमैया बनू हाशिम की कोई लड़ाई नहीं है, ये आपने क्रिएट की हुई है, इस्लाम में ये कोई लड़ाई नहीं है। आपने अगर गौर किया हो कि तब से लेकर अब तक जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, मुझ गुनाहगार के लबों से इस किस्म का कोई तनाजा आपने सुना? बिल्कुल, या ये तफरीक या तकसीम होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ मगर मेरी सैयदा ने, मेरी आकाजादी ने अपनी बड़ी बहन की वफात, जो कि बदर के दिनों में हुई है, जब वफात हो गई और तदफीन हो गई तो बारगाह नबी में तशरीफ लाई और बैठ के कितनी देर अपनी बड़ी बहन को याद करके रोती रही। तो जिसके मरने पे सैयदा का आंसू ढलका हो, आंसू से लिबास तरबतर हुआ हो, उनका भी क्या दर्जा होगा? मैं आपको मजीद एक बात और बताता हूँ, सैयदा उस्मान ने सिर्फ यहाँ पे इन्फाक नहीं किया, बल्कि रसूलुल्लाह के, आप अगर अंदाजा लगाए ना, बाद मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है कि सैयदना उस्मान उन लोगों में शामिल है जिनको जन्नत की बुशारत सबसे ज्यादा मरतबा बज़ुबान नबुव्वत हुई है। बेशक उसकी वजह सुने, डेरे रूमा कौन खरीदेगा मुसलमानों के लिए, मैं उसको जन्नत की बुशारत देता हूँ, अदर बहाने का मैं खरीदता हूँ। सात दफा तो एक जगह पे भी, अशरा मुबशरा में भी, बेरे रूमा में भी, फिर का कौन मस्जिद नबी की तौसीह करता है, उसको मैं जन्नत की बुशारत देता हूँ। बार बार रोकना पड़ता है हुजूर वाला, आपका बैठना उठना उलमा में है। सर मुझ जैसे गुनाहगार के लिए और मेरे सामईन जो बाकी मेरी तरह गुनाहगार हैं, क्या जाने उनमें से कई के बेरे रोमा है क्या? हिजरत मदीना हो चुकी है, मदीने में पीने के लिए मीठा पानी कोई नहीं, सिवाय एक यहूदी की मलकियत में एक कुआं है जिसका नाम बेर रोमा है। इसका तस्करा हम करते हैं इसलिए कि अब आ गया है वक्फे का वक्त। आप भी जरा दिल को संभाल के बैठिए, यकीन खुदा पे कीजिए, आज महफिल ऐसी है सर जैसे बैतबाजी होती है, और ये बैतबाजी जिक्र की है, फजूल बेहुदा अशार। सर वो कैसे एहतमाम किया गया और क्या वाकया ये जो इसका जो दिबाचा है ना, वो हजरत अबू बकर के दौर में पूरा हो चुका था, ज़ैद बिन साबत के जरिए उनकी ड्यूटी लगाई, और ज़ैद बिन साबत ने ये बात की थी, अगर मुझे ये कहा जाता ये पहाड़ उठा के इधर से उधर कर लो तो शायद वो मेरे लिए आसान होता। बेशक, और आपको पता है इस बात से अगर बात आई है ज़िमनी तौर पर, अगर आपने ये सवाल कर लिया, तो ज़ैद बिन साबत ने हुज्जियत हदीस के ऊपर भी एक जुमला कहा। जी हाँ, क्या कहा? कहा हुज़ैमा अंसारी के पास ये सूरत तौबा की आखिरी आयत, लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मिली तो हुज़ैमा अंसारी के पास गवाह कोई नहीं था, हुज़ैमा अंसारी के पास गवाह कोई नहीं था, तो हुज़ैमा अंसारी के बारे में सहाबा ने आके बता क्या कहा, रसूलुल्लाह देखे ये रसूलुल्लाह की पेशीन गोई थी, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है मेरा गवाह, एक यहूदी के साथ मामला होगा हो गया, तो हुज़ैमा अंसारी ने कहा था मैं आपकी गवाही देता हूँ, रसूलुल्लाह ने कहा तूने तो वो मामला देखा नहीं, कहा अगर आप अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलते तो क्या इस सौदे के बारे में बोलेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हुज़ैमा आज तुझे अकेले की गवाही आज के बाद दो के बराबर होगा, तो सहाबा आए, उन्होंने कहा इनके अकेले की अकेली एक आयत हुज़ैमा अंसारी के पास थी, कुरान पाक में शामिल होगी। इसके बाद हुआ क्या, जब फतूहात हुई तो हजरत उस्मान के पास उनके जो मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर थे या हाकिम थे, उन्होंने आके कहा कि मामला ये है कि इस कुरान को अब लहजे कुरैश में भी जमा किया गया, हर बंदा आपको पता है कुरान पाक सात लहजों में नाजिल हुआ, तो हजरत उस्मान ने उसी सहीफे को जो ज़ैद बिन साबित ने लिखा था और जमा किया था उसी सहीफे की, उन्हीं की ड्यूटी लगाई कि इसकी मुतअद्दद कापियां तुम बनाओ, और फिर बाकी उम्मालकों का बाकी तमाम किरातों को खत्म कर दिया जाए और एक इस किरात को जमा कर दिया जाए। अच्छा सर, और ये दूसरी ये जो सही था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, क्या ये सही है कि ये उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास, हजरत हफ्सा के पास महफूज है? ये भी दुरुस्त बात है, उम्र फारूक की साहबजादी और मेरे उनके पास। अच्छा लेकिन एक बात देखें, अल्लाह ताला का भी एक मौजजा तो है ना कलाम, अल्लाह ताला ने वो सात लहजे दुनिया से महव नहीं किए, सात लहजे वो सात किरातें आज भी मौजूद है, अगर हजरत उस्मान ने एक किरात के ऊपर ये जमा किया इसका उम्मत को बड़ा फायदा हुआ। आपने एक बात जो जिमनी तौर पे की है ना मेरे दिमाग में उस वक्त से, वो बात
आ गई है। जब आपने कहा कि उस्मान ने कहा आज मेरा वक्त शहादत है, आपको पता उन्होंने क्यों कहा था? उनको ख्वाब आई थी और उनको ख्वाब ये आई थी, उन्होंने कहा आज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उन्होंने कहा उस्मान आज आपने इफ्तारी मेरे साथ करनी है। तो फिर मैंने इब्तदा सुबह की तो रोजा रख के की, और फिर जो शाह साहब ने जितनी हदीसें बयान की हैं उनके अकवाल हजरत उस्मान के वो उस मौके के हैं। मैं लेकिन एक बात जरूर ये कहना चाहता हूँ, हजरत उस्मान हजरत उमर के दौर में खुद ही हाँ यानी काफले को लेकर चलने वाले जब हज के लिए जाते थे तो क्या कहते थे? उमर के बाद खलीफा उस्मान होगा। और हजरत उस्मान के दौर में क्या कहते थे? उस्मान के बाद खलीफा अली होगा। और जो हजरत उस्मान की खिलाफत है, हजरत उमर ने देखे कितना दनाई का फैसला किया, कहा मैं उन छह बंदों के अंदर मानत छोड़ के जाऊंगा जो धरती के ऊपर कायनात के ऊपर सबसे अफजल लोग हैं। अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और साद बिन अबी वकास को जब इमानत दी तो आपको पता बाकी तो दस बरदार हो गए, अब्दुर्रहमान औफ को उन्होंने चुन लिया कि आप फैसला कर देना। तो उन्होंने घर घर जाके राय ली और हजरत अली से एक बात की, अगर उस्मान के हक में फैसला हो गया आप अब ये देखें, इख्तलाफात तो उसी दिन खत्म हो गए, हो सकता लोगों के ज़हन में कोई इख्तलाफ हो। हजरत उस्मान की सबसे पहली बैत किसने की? हजरत अली ने, बेशक। इसका मतलब ये है हजरत अली सबसे पहले हैं जिन्होंने हजरत उस्मान के हाथ के अंदर हाथ दे दिया। और शाह साहब ने जो जिमनी बात की है ना, हसन व हुसैन उस दिफा के अंदर जख्मी हुए हैं और हजरत उस्मान का ये इज्तिहाद था। और उम्मातुल मोमिनीन ये बयान करती हैं ये इज्तिहाद की वजह क्या है, हजरत उस्मान ने बागियों को कत्ल क्यों नहीं किया, तलवार क्यों नहीं निकाली, 700 सहाबा मौजूद हैं, आके कहते रहे कि निकालिए। तो उम्मातुल मोमिनीन बयान करती हैं कि एक मरतबा हजरत उस्मान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया था और कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे एक कमीज और खिल्लत अता करेंगे, वो मुराद खिलाफत की थी, तूने उसको खुद नहीं उतारना अगर लोग तुझसे छीनना चाहें। लेकिन जो रात बाद में अफशा हुआ वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को यह भी कहा था कि तूने तलवार भी नहीं निकालनी, ये शहादत मजलूमियत की शहादत है कि पानी भी बंद है, खाना बंद है। आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, हजरत उस्मान खुद कहते हैं जब उनके तलवार का वार लगा ना उंगलियों के ऊपर तो उंगलियां कट गई। एक बात अलामा, मैं 10 वस्ता माजत खाऊं क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाता है। अलामा आपसे आखिरी चंद जुमले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में बैठे हैं और कहते हैं कोई दरवाजा आके खटकाता है, नबी करीम कहते हैं जो आए उसके लिए दरवाजा भी खोलो अबू मूसा अशरी को और उसको जन्नत की बुशारत दो, हजरत अबू बकर आए। दूसरी दफा फिर दरवाजा खटका का जन्नत की बुशारत दो, हजरत उमर आए। तीसरी मरतबा दरवाजा खटका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी शहादत उस्मान का हजरत उस्मान को भी इलम है। और ये एक मरतबा नहीं, ये तीन चार मुतअद्दद अहादीस है कि उहद पहाड़ के ऊपर खड़े हुए और कहा इसके ऊपर शहीद है सिर्फ नबी सिद्दीक और शहीद, फिर हिरा के ऊपर नबी सिद्दीक और शहीद। यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे कहा जो आए उसको शहादत की बुशारत भी दो, जन्नत की बुशारत भी दो, लेकिन मुसीबत की बुशारत भी दो, साथ एक मुसीबत हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा अनकरीब उम्मत में फितने आएंगे, तुमने उस वक्त इस बंदे का साथ देना है। उस वक्त वो सहाबी दौड़ के गया और उनका चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ किया, हजरत उस्मान का चेहरा था, ऐ अल्लाह के रसूल इनका साथ देना है? नबी करीम ने कहा हाँ इनका साथ देना है। और हजरत उमर ने पूछ लिया जब यरमूक के बाद कि ये जो आपने किताबें देखी हैं इनके अंदर हजरत उस्मान को क्या पाया, उन्होंने कहा हमने तुरात के अंदर हजरत उस्मान को साले खलीफा